अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में। सो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डबल डेकर मायो सैंडविच। अपने नाम की तरह बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं, 2 मीडियम साइज पोटैटो बॉयल्ड मैश किए हुए, 1 पाव मटर चाहिए जिन्हें बॉयल करके मैश कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 पाव चिकन, उसे भी हमने बॉयल करके श्रेडेड कर लिया था। इसका मैं आपको मेथड अभी बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बॉयल किया है और कौन कौन से स्पाइसेस लगा के बॉयल किया है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल थोड़ी सी कैबेज चाहिए बारीक कटी हुई, ये भी फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। 6-7 अनियन रिंग्स चाहिए फिलिंग के लिए ऑब्वियसली। टमाटोज चाहिए बारीक कटे हुए, और इसके अलावा हमें चाहिए ककम्बर बारीक कटा हुआ ऑब्वियसली। ये सारी चीज़ें हम सैंडविच की फिलिंग में यूज़ करेंगे। मटेरियल प्रेपरेशन के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ऐड टू टेस्ट सॉल्ट, नमक हसबे जायका, 2 पिंच जीरा, थोड़ा सा हमें खुश किया हुआ पुदीना चाहिए ऑलमोस्ट 2 पिंच, 2 हरी मिर्चें चाहिए चॉप की हुई, और इसके अलावा कलवंजी चाहिए 2 पिंच। इसके अलावा हमें मेयोनीज रिक्वायर है सैंडविच की फिलिंग के लिए, और हमें चाहिए चिली गार्लिक सॉस। आपने हमारी वीडियो पूरी देखनी है तब भी आपका सैंडविच बहुत मज़े का बनेगा। ओके, तो मैंने आपको बताना था कि चिकन आपने कैसे बॉयल करना है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप हमारे बहुत अच्छे से व्यूअर्स हैं और हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल होता है कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। तो मैंने चिकन को 1 पिंच सूखा धनिया, 1 पिंच मिक्स मसाला और 1 पिंच सॉल्ट लगा के 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है आपने मिनिमम, तब आपके जो चिकन है उसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के जिसमें चिकन डूब जाए अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, स्लो हीट पे आपने इसे बॉयल कर लेना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए मटेरियल की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट के लिए हमें 2 एग्स चाहिए, इसके अलावा 1.5 चुटकी हमें चाहिए ज़ीरा, 1.5 चुटकी ही हमें रेड चिली फ्लेक्स चाहिए, दड़ा मिर्च, और एड टू टेस्ट हसबे जायका नमक चाहिए। तो चलिए जल्दी से ऑमलेट का बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप काइंडली एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, तभी आपका सैंडविच इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा जी। तो सबसे पहले आपने पैन हीट अप कर लेना है और 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपने, बिल्कुल थोड़ा 1 टेबलस्पून ऑयल ही डालिएगा। हमने ऑमलेट ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे हीट अप पैन में, ज़ीरा ऐड करेंगे, उसे हल्का सा भून के आपने श्रेडेड चिकन ऐड कर देना है। इसके बाद आपने ग्रीन चिलीज ऐड कर देनी है और सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसे सौते कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। ऑयल आपने 1 टेबलस्पून ही डालना है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है आपने। जब चिकन 1-2 मिनट के लिए सौते हो जाए तो उसमें मटर डालेंगे, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है माशाल्लाह। आलू डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, तो ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं आपने और इस तरह से उनके जो एजेस हैं वो काट देने हैं सैंडविच बनाने के लिए। ओके, एजेस काटने के बाद हल्का सा ऑयल लगाना है तवे पे और ब्रेड स्लाइसेस को बिल्कुल लाइट सा हीट अप कर लेना है। ओके व्यूअर्स, तो आपने ऑमलेट को इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लेना है, ठीक है, और इसके बाद आप स्लाइसेस पे मेयोनीज लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एजेस पे, हर जगह पे प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट मटेरियल लगाएंगे। व्यूअर्स, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मेरे कहने पे परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर स्टेप
फॉलो करना है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन एंड प्रोडक्ट बहुत ही यम्मी बनने वाला है। इसके बाद चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड करेंगे, थोड़ी सी कैबेज, ऑमलेट का स्लाइस रखेंगे, और जो हमने रिंग्स काटे थे अनियन के, ककम्बर और टमाटो, वो रखेंगे। दूसरे स्लाइस पे भी आपने अच्छे से मेयोनीज स्प्रेड कर लेना है। प्रॉपरली एजेस पे हर जगह अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि ये जो सैंडविच है ये 3 लेयर्स है, तो हम ये 3rd लेयर बनाने जा रहे हैं। सेकंड जो स्लाइस था उसकी बैक साइड पर भी मेयोनीज लगाएंगे, और सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने फर्स्ट 2 लेयर्स के स्टेप किए हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी हमने लेयर्स बनाई थी पहले, ऑमलेट की, मटीरियल की, कैबेज, टमाटो एंड ककम्बर रिंग, चिली गार्लिक सॉस, उसके बाद ऑमलेट का स्लाइस, और ये हमारी 3rd लेयर कंप्लीट है। तो ब्रेड के 3rd स्लाइस पे भी बहुत अच्छे से मेयोनीज स्प्रेड कर लेना है, और ट्रायंगुलर शेप में आपने सैंडविचेस को काट लेना है। सो हियर वी गो, हमारा बहुत ही मजे का डबल डेकर मेयो सैंडविच बिल्कुल रेडी स्टेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपनी फाइनल प्रोडक्ट की जो पिक्चर है हमारे साथ शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। हम अपनी स्टोरी पे, ऑफिशियल पेज पे, आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।